गाड़ी जितना खेसारी का प्यार दिले बनी उतने तोहरो लंग से प्यार बा हमरा ऐसन बात नहीं खे कि प्यार नहीं खे प्यार ना रही तो ही रसगुल्ला खिए थी और इस चरोले बड़े गोरी चरोले बड़े घास कटले बड़े लहन कटले बड़े बुझा ढोले बड़े हम ढोले बनी पहले चढ़ले भैंस पर और बाद में भैंस पर से चढ़ले गाड़ी पर अब गाड़ी पर से चढ़ला पर कहले जो पता ना जो अब हवाई जहाज पर चढ़ गई। ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, जो पहले इस गाड़ी से खेसारी लाल जी जाते थे गाना वाना गाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवनीत और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि अभी हम लोग हैं खेसारी लाल यादव जी के गांव में और ये है इनका गाँव और काफ़ी अच्छा गाँव है और इनका जो पूरा घर होता है वो सब भी मैं दिखाऊँगा इस वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा गाय बैल भैंस सब कुछ है और उनका जो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा ये उनका घर है जो कि आपको मैं दिखाऊंगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो आप लोग इन तक जरूर देखना। अभी तक जिसने भी वीडियो दिखाया होगा उससे मैं बेहतर तरीके में आपको मैं दिखाऊंगा कि पूरा चीज़ जैसे उनका खेत गाड़ी घर सब कुछ होता है ना, कैसे कोई स्टार बनता है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये है दोस्तों गाँव खेसारी लाल यादव जी का और गाँव कुछ ऐसा दिखता है। और अभी हम लोग गाँव में आए हुए हैं खेसारी लाल यादव जी के गाँव में, मतलब बिहार का जितने भी गांव हैं वो सबका गांव तो लगभग एक ही वैसा ही है। और ये जो आप पीछे घर देख रहे हो ये खेसारी लाल यादव यानी कि जो भोजपुरी के सुपरस्टार है उन्हीं का घर है। बहुत ही अच्छा गांव है, सुंदर गांव है। ये घर है इनका, एसी लगा हुआ है, देखिए दो तला है हमारा। और ये जो है इनके चाचा जी हैं, देखिए खेसारी लाल यादव जी के चाचा जी हैं। ये घर भी है पीछे वाला? हाँ, दो तला। अच्छा, ये पीछे जो घर दिख रहा है आपको ये घर भी है और एक इधर मेन घर है। वो आते तो यहीं पर आते हैं ना? मेन घर ये हमारा है, वो है दो तला। अच्छा, वही घर है। दो घर है ये है एक। पहले जब नहीं था तब का पुराना घर कौन है? पुराना घर तो यही है। अच्छा, शुरू से यही है, यही घर है पुराना। तो ये जो है मेन घर है, देखिए पुराना सबसे पहले का घर है। यहाँ पे लिखा हुआ है मंगरू यादव मेघनाथ, इनका पिताजी का और चाचा जी का नाम लिखा हुआ है घर के ऊपर, देखिए दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। तो गांव का घर है, गांव जैसा ही है पूरा माहौल यहाँ का। और चारों तरफ आपको देख सकते हैं कि भैंस भैंस गाय बैल सब है। और इधर देख सकते हैं पूरा का टाल लगा हुआ है। तो ये है घर और इधर दरवाज़ा है, देखिए एक पीछे घर है। और जब आते हैं मुंबई से शूटिंग के बाद तो यहीं पे रहते हैं। इधर आप देख सकते हैं भैंस गाय हुआ, इनके दरवाजे पे एक पीछे घर है। तो यही है इनका घर। और देखिए कितना, मतलब पहले गांव में घर था और अभी कहाँ गांव से डायरेक्ट मुंबई तक पहुंच चुके हैं खेसारी लाल यादव जी और स्टार बन चुके हैं भोजपुरी का। तो दोस्तों अभी मैं हूँ गांव में घूम रहा हूँ और पीछे देख सकते हैं घर है। गांव में देख सकते हैं पूरा वैसे ही गांव है जैसा कि सभी का गांव होता है। मेरा भी गांव वैसा ही है। आप लोगों ने तो बहुत बार मेरा गांव का वीडियो देखा होगा लेकिन आपको आप देख रहे हैं खेसारी लाल यादव जी का गांव। और वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि बहुत दूर आए हम लोग। और ये जो जगह देख रहे हो ये इनके घर से जस्ट बगल में ही है जहाँ पर इनका ट्रैक्टर गाड़ी और बैल भैंस गाय जो भी है वो सब यहीं पर रखा जाता है, मतलब रात के टाइम पर। तो दोस्तों ये है खेसारी लाल यादव जी का गाड़ी, फॉर्चूनर टोयोटा का है जो आप देख सकते हैं। ये जो नंबर है ये खेसारी लाल यादव जी का गाड़ी है। अभी फ़िलहाल गांव में ही है, मतलब जब गांव में आते हैं तो इस गाड़ी पे वो बैठते होंगे। और देख सकते हैं पूरा ये इसमें जो चारा होता है ना, चारा वो सब रखा गया है। और इधर थ्रेसर है जिससे दौनी होता है। तो ये सब खेसारी लाल यादव जी का ही प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर देखिए फॉर्चूनर गाड़ी, यार देख रहे हो मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं खेसारी लाल यादव जी, जो कि अपने दरवाजे पे फॉर्चूनर गाड़ी लगाना एक बहुत, मतलब बड़े बड़े नेता या फिर सेलिब्रिटी का ही होता है। तो इनका गाड़ी है, देखिए नसीब कहाँ से कहाँ ले जाता है और मेहनत किसी आदमी को मतलब ऊपर तक ले जाता है। और अभी आपने देखा गाँव,
यहाँ पे गाय भैंस बांधा जाता है। और ये जो ट्रैक्टर आपको दिख रही है, ट्रैक्टर भी इन्हीं का है। ट्रैक्टर भी करे के चलने पड़े गाड़ी से। तो ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप पीछे, पूरा बहुत ही खराब कंडीशन में है। कौन सा गाड़ी है? टीवीएस है ना? टीवीएस ना, यामाहा ही। यामाहा का गाड़ी है, पुराना है। अभी तो फिलहाल ये अपना दम तोड़ चुका है। जो पहले इस गाड़ी से खेसारी लाल जी जाते थे गाना वाना गाने के लिए, हर जगह घूमते थे इसी गाड़ी से। ये फर्स्ट बाइक है ना? उनका भाई खरीद के दे गाड़ी। हाँ, उनके भैया जो थे वो खरीद के दिए हुए हैं गाड़ी। बड़का भैया? अच्छा, तो भैया उनके दिए थे गाड़ी खरीद के चलाने के लिए। वैसे मेरे पास भी एक है पुराना गाड़ी, है फ्यूचर में कहीं होगा तो हम भी लेंगे। तो यही है पूरा पीछे खेत। गाड़ी को ना अंदर रखवा लीजिए, फ्यूचर में अब याद रखेंगे। गाड़ी का गाड़ी है, हरियाणा नंबर प्लेट है। दिल्ली से? अच्छा, दिल्ली से आया था गाड़ी खरीदा के। बताइए, दिल्ली से आया था गाड़ी खरीदा? एक ही गाड़ी, कोई को गाड़ी दे दे लो। हाँ, एक गाड़ी फॉर्च्यूनर दे दिए हैं। जे गाय को को बाछी दे दे ले। हाँ, वैसा ही एगो गाड़ी, माने बाछी बाछी हो गई लोहिंग। एक गाड़ी दुआर गाड़ी, ये गाड़ी हो गई, अंदर फॉर्च्यूनर लगा हुआ है। चार गो मोटरसाइकिल तो चलाने में बड़ी से हो। हाँ, हम एक को ना चलाइले पूरे ल से ही अभी देखिए, इनके चाचा जी के साथ अभी घूम रहे हैं गांव में, खेसारी लाल जी के गांव में। और चारों तरफ देख सकते हैं गाय भैंस सब है, पूरा पूरा चारों तरफ ऐसा ही है जैसा कि हर गांव में होता है। गांव में आने के बाद आपको ऐसा लगेगा नहीं जैसे कि हम कहीं दूसरे गांव में हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसा कि आपका खुद का गांव है। जैसा कि सबका गांव होता है वैसा ही गांव है। और यहीं से निकले हुए हैं, भोजपुरी के भोजीवुड तक पहुंच चुके हुए हैं। अरे, आज तो इंडिया के लेवल पर। अभी कुछ दिन पहले गए थे विदेश में शूटिंग करने के लिए, दुबई पता नहीं कहाँ कहाँ गए हुए हैं। स्टार है, स्टार हो गए हैं। भैंस चरौले बड़े, गोरु चरौले बड़े, घास कटले बड़े, लहन कटले बड़े, बोझा ढोले बड़े, हम ढोले बने। पहले चढ़ले भैंस पर, ओकरा बाद में भैंस पर से चढ़ले गाड़ी पर, अब गाड़ी पर से चढ़ला पर कहले जो पता ना जो अब कहाँ कहाँ, अब हवाई जहाज पर चढ़ गई। मम्मी के अभी यही दीदी बनी जो हवाई जहाज पर हम घूमे के समय नहीं थे। हवाई जहाज तो मन के अशकत बटे, अब वही पटना से टिकट ले तो चल जाए बॉम्बे, दू घंटा तो लगबे करी। बाकी कोनो काम हो तो हम जाए। तो देखिए, पहले भैंस चराते थे, खेती करते थे, सारा कुछ करते थे, लेकिन आज देखिए हवाई जहाज पे चढ़ते हैं और महंगी महंगी गाड़ियों पे भी चढ़ते हैं। हर जगह में स्टार बन चुके हैं खेसारी लाल जी। तो बहुत ही प्राउड वाली बात है कि हमारे बिहार से कोई इतने बड़े स्टार बन चुके हैं। और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, पूरा पूरा शेयर भी कीजिएगा वीडियो को बहुत ज़्यादा, ताकि और लोग भी देख सके। तो यही है खेसारी लाल यादव जी का गांव, वैसा ही गांव है पूरा। चारों तरफ आपको हर कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कच्ची मकान, पक्का मकान सब है गांव में। और खेसारी लाल जी का तीन तीन घर है यहाँ पे गांव में, और मुंबई में तो खैर बात ही नहीं, बहुत ज़्यादा घर है और एक उधर घर है। तो यही सब है गाँव का लाइफ स्टाइल है। जब गांव में आते हैं तो ऐसे ही सिंपल रहते हैं जैसे हम लोग रहते हैं। अभी हैं सात भाई हैं खेसारी लाल यादव, वो जो जितने भी लोग हैं वो सब अभी मुंबई में रहते हैं। गांव में बस ऐसे ही घर है, उनके चाचा जी रहते हैं, और मतलब जो भी लोग हैं वो पिताजी माताजी जो भी हैं सब मुंबई में रहते हैं। सिर्फ उनका जो घर द्वार का जो भी काम होता है वो उनके चाचा जी संभालते हैं। खेती बाड़ी का जो भी काम होता है वो सब ये संभालते हैं, और वो सभी लोग मुंबई में रहते हैं। बस यही है मिठाई लेके आ गए, रसगुल्ले। खेसारी लाल यादव जी के घर के रसगुल्ले हम लोग अभी खाने वाले हैं। और उधर उनके जो चाचा हैं वो पानी भरने गए हैं कल से, और देख सकते हैं उधर रसगुल्ला लाए हैं हम लोग के लिए। इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो बहुत ही खुशी हो रही है। से बात किए हैं तो काफ़ी अच्छा, मतलब एक रिलेशन सा बन गया है इनके साथ, और बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके। और पूरा एकदम लगता है ऐसे कि हमारे घर के ही हैं, कोई पूरा अपना जैसे फैमिली होता है ना, फैमिली मेंबर की तरह लग रहे हैं ये। अरे, जितना खेसारी का प्यार दिले बनी उतना तोहरों से प्यार बा हमारा, ऐसा बात नहीं है।
कि प्यार नहीं थे, प्यार ना रहता ही रसगुल्ला खिए थी। प्यारे ना है काजी त्यौहार बानू। सो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो में देखा खेसारी लाल यादव जी का गांव, घर, उनका गाड़ी और उनका गाय बैल भैंस जो भी है, और उनके चाचा जी से भी आप लोगों को मिलवाया। इनका गांव बहुत ही अच्छा है और उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।